हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर बात की जा रही है बीएड के रीअपीयर स्टूडेंट्स की। अब रीअपीयर के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनका फेट क्या होने वाला है। नॉर्मल लोगों के दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे मुझे बार बार मैसेज किया जा रहा है कि सर क्या होगा रीअपीयर स्टूडेंट का, मतलब हम लोग पेपर दें या ना दें, क्या हमें पास किया जाएगा या हमें पेपर देने पड़ेंगे, दैट वी नीड टू गिव द पेपर्स। ये सारे क्वेश्चन दिमाग में बने पड़े हैं रीअपीयर स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पहले क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग। आप लोग फटाफट एक काम करो, जो भी आपका एजेंट है जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया हो, उसके थ्रू जो एग्जामिनेशन फीस है, आई रिपीट, जो भी एग्जामिनेशन फीस होगी ये एग्जामिनेशन फीस कौन सी होती है, रीअपीयरिंग के लिए अलग से फीस लेती है यूनिवर्सिटी। आप प्लीज वो वाली फीस जितनी जल्दी हो सकता है सबमिट करवा दो, क्योंकि आपका फेट भी वही होने वाला है जो बाकी सब कौन है, मींस एवरीबॉडी गोइंग टू गेट प्रमोटेड, सेम इज गोइंग टू टेक प्लेस विद यू। आई रिपीट, सेम इज गोइंग टू टेक प्लेस विद यू गाइस। अब यहां पे बड़े सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं सुन के कि सर अभी यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं की कि एक पेपर वालों को प्रमोट किया जाएगा, जिनकी दो में बैक आई हुई है, जिनकी चार में बैक हुई है, किनको क्लियर किया जाएगा। पहले क्लियर करना, एक्सेप्ट आप लोग पूरे के पूरे पेपर ना दिए आपने, सपोज किसने सेकंड ईयर के सारे पेपर नहीं दिए और एक साल निकल गया आप पेपर दे दे, तो उसका क्या फेट होगा, डेफिनेटली वही प्रमोट होगा। बात जो था किसके दो पेपर रहते हैं उसको क्या किया जाएगा, एक वाले को तो 100% श्योर है सबने क्लियर कर दिया कि सर वो प्रमोट कर दिया जाएगा, रीअपीयर है तो उसको सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, इंटरनल के बेसिस पे उसको पास कर दिया जाएगा, क्लियर। अब आगे दो या तीन पेपर वाले, तो नीड नॉट टू वरी, सेम फेट गोइंग टू हैपन विद यू ऑल। हाँ, बाकी आपको एक काम करना, आपको क्या करना, आपका जो भी एजेंट है जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिए, आप उससे बात करेंगे, उससे बात करके पिक्चर पूरी क्लियर कर लेना कि हम एग्जामिनेशन फीस जमा करवाए थे, कि एग्जामिनेशन फीस डेफिनेटली हमें जमा करवानी थी, अगर आप एग्जाम देते तो भी आपको करवानी पड़ती। ये ऐसा नहीं कि आप एग्जामिनेशन फीस अभी जमा करवा रहे, वो तो आपको देनी ही पड़ती, तो आपने एग्जामिनेशन जितनी जल्दी हो सकता दे। तो प्लीज, कई लोग जो दिमाग में चल रहे हैं कि यार हम एजेंट से कांटेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां हम फॉर्म भर देंगे, तो गाइस कोई सुनवाई नहीं है, पहले क्लियर कर लो यार। प्लीज डोंट ट्राई टू बी हीरो कि सीधा जाकर डायरेक्ट करेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, काम फंस जाएगा, बल्कि जिसने आपका एडमिशन कराया वही रुकवा देगा, तो ऐसा काम मत करना। इतने पैसे दिए, थोड़े पैसे वो देखे, काम खत्म करो, अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा करो जितनी जल्दी हो सकता है, ये काम करो, क्योंकि डेट्स आ चुकी है कि कब तक उनको एग्जामिनेशन फीस देनी है, और जिन जिन की एग्जामिनेशन फीस जमा होगी उनके हिसाब से उन्हीं के एग्जाम होने, और जब एग्जाम होने के होने तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको पता है कि हमें एग्जामिनेशन फीस जमा करा के पेपर में प्रमोट लिखा हुआ आएगा आगे। तो दूसरी रकम देखिए, COVID-19 कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए बहुत नेगेटिव हुआ, जिनको पेपर दे थे, जिनको ज्यादा कि हम बहुत अच्छे नंबर लेने, कई लोगों ने बहुत पॉजिटिव काम कर दिया जिनकी बार बार बैक आ रही थी, कई लोग ऐसे जिनकी एक सब्जेक्ट में बार बार बैक आ रही पेपर क्लियर होता, तो यहां उनके लिए खुशखबरी है कि गाइस आप लोग पूरी तरह प्रमोट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ बाकी पेपर आपके सब क्लियर है, उनके बेसिस पे आपको इस पेपर में क्लियर कर दिया जाएगा और आपकी बीएड यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे बहुत परेशान थे, जैसे रीअपीयर वालों के लिए आपने कुछ नहीं बताया उनका क्या होगा, क्या प्रोविजन होंगे, ये सारे प्रोविजन आपको ध्यान रखने हैं। तो करना क्या है, आगे की वीडियो देख लेना, क्योंकि आगे की वीडियो से कुछ काम का बताऊंगा आपके कि अभी बीएड के बाद आपने क्या करना है, कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे ताकि आगे और चीजें कर पाए। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ थिंक इट्स वर्थ टू वॉच, फायदा हुआ वीडियो देखने से, और आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ क्लासे राहुल। टिल देन कीप वॉचिंग आईएएस।